जो व्यक्ति भी अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है और नित्य जो सुन रहा है, आप लोग नित्य सुनते हैं इसलिए मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, लिखा है नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरा प्रत्यक्षरं भक्तेस्य कपिलादानजं फलम्। दर्शन है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन भागवत वाचन या स्मरण करता है उस व्यक्ति को कपिला गौ माता के दान करने के जितना पुण्य प्राप्त होता है। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप सबको कथा श्रवण करते हैं। तो भागवत श्रवण जब 7 दिन आपके पूरे हो जाते हैं तो आप अगर पूर्ण भाव से पूर्ण चित्त से कथा सुन रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि जब 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो आपके लिए सुखदायी खबर यह है कि आपसे एक कपिला गाय का दान हो जाता है। कितनी सुंदर बात है। सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुखान्विता। और आप कथा श्रवण सुन रहे हैं तो उसका एक लाभ यह है कि जो कथा सुनता है अर्थात जो कराता है उसके समस्त पापों का भी नाश होता है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक एक कार्यक्रम हो, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। ये एक और लाभ है। कल्प कोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। भागवत कराने वाला भी, जो व्यक्ति भागवतम कराता है अर्थात जो यजमान बनता है, जो परीक्षित बनता है, ऐसे महानुभाव जो लोग होते हैं, भगवान कहते हैं उनके यहां मैं कल्प कोटि निवास करता हूं, कल्प कोटि तक निवास करता हूं। भगवान कह रहे हैं कल्प कोटि तक, मतलब गणना के माध्यम से अगर देखें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसको बोलते हैं एक चतुर्युगी। चतुर्युग 4 युगों को मिलाकर एक युग, इसको बोलते हैं एक चतुर्युग। और ऐसी 71 चतुर्युगी जब हो जाए तो एक मनवंतर होता है, और जब ऐसे 14 मनवंतर जब हो जाते हैं तो एक कल्प होता है। तो वैसे करोड़ों कल्पों की चर्चा कर रहे हैं भगवान, कह रहे हैं भगवान की वाणी है कि जो व्यक्ति भागवत कराता है मैं उसके यहां कल्प कोटि तक वास करता हूं। कितनी सुंदर व्यवस्था, कितना बड़ा, कितना श्रेष्ठ आपको सौभाग्य मिला है। तो कथा करने वाला कराने वाला कैसा, जिसको जब आप कथा में यजमान, जैसे आप लोग पोथी भी रखते हैं तो कौन, आप कैसे हो, आपको लाभ क्यों मिले? तो लिखा है कृष्णार्थोति धनार्थोति श्रोता वक्ता दुधामत, यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सुख्यम विवर्धते। अर्थात यजमान भी भगवान का दास हो, धन का लोभी न हो, और उसी तरह वक्ता भी भगवान का दास हो, धन का लोभी न हो। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई।